निश्चित रूप से अगर आप तुलना करेंगे तो प्रधानमंत्री 10 बरस तक मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं और प्रधानमंत्री 10 बरस तक वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं। जिस प्रकार से नैरेटिव फैला करके देश का नाम विदेशों में बदनाम करने की जो षड्यंत्र जो साजिश चल रही है, विशेष करके बेरोजगारी के मामले में और महंगाई के मामले में, अगर आप देखेंगे तो 12.5 करोड़ के लगभग रोजगार उपलब्ध हुए, सृजन हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, जबकि वहाँ पर 2.5 के आसपास था। महंगाई का भी जो दर है वो 10% और 5% और 10% था। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व और जो क्षमता है उसको कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पचा नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के ने आज तय किया पूरे मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता करके वो बुलेट्स पॉइंट आपके माध्यम से जनता को पहुंचाने की कि संविधान की कापियां दिखा दिखा करके राहुल गांधी ने और कांग्रेस के अलायंस ने जिस प्रकार से संविधान का नाम लेकर के भारत को बदनाम करने की कोशिश करी है, जरा देखें तो सही कि आपातकाल किसने लगाया। आज का 25 बरस का 20 बरस के व्यक्ति को पता नहीं बच्चे को युवा को के आपातकाल क्या होता था। इंदिरा गांधी ने अपनी सीट जो हाईकोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था इंदिरा जी को, वो प्रधानमंत्री पद से हट गई थी, देर रात को उन्होंने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगाने का काम इन्हें किया है, कई बार संविधान बदलने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है, लेकिन नैरेटिव फैला दिया गया। महंगाई को लेकर नैरेटिव फैला दिया गया, बेरोजगारी को लेकर के नैरेटिव फैला दिया। जो विकास के काम हुए हैं और 15 मरतबा 10 बरस में अगर किसी एक प्रधानमंत्री को नागरिक सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हुआ है। ये बड़े अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन जी, उनको तो 2 बार ही मिला विदेशों में, मोदी जी को श्रृंखलाबद्ध मिला है 15 बार। अभी रूस में आप देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी अगर किसी को उम्मीद होती है तो भारत से होती है। भारत का जो प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये उसी का नतीजा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस के लोग घबराहट में है और नैरेटिव फैला करके देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मोदी जी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।